मोहम्मद सलाम, इंडिया का बेस्ट। इस खेल को ऐसा खेलने वाला खिलाड़ी कभी पैदा ही नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई स्पोर्ट ड्रामा बायोपिक तो नहीं लेकिन रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म तुलसीदास जूनियर को लेकर बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, जिसमें कि आपको रीडिंग में नजर आएंगे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और राजीव कपूर। अगर ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म काफ़ी अच्छी है, मोटिवेशनल है, जिसे कि डायरेक्शन दिया है मृदुल ने और ये फिल्म रिलीज हो चुकी है आपके नज़दीकी थिएटर्स में। तो ऐसे में बात करने वाले हैं फिल्म के 3 दिनों के कलेक्शन की रिपोर्ट को लेकर कि इस फिल्म ने अपने बीते 3 दिनों के अंदर अंदर कितना कलेक्शन कर लिया है, कि फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप। अगर बात की जाए फिल्म के बजट को लेकर तो आपको याद हो जो उसका बजट है वो मैक्सिमम 20 करोड़ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज फिल्म का जो बजट है वो काफ़ी कम है। अब बात आती है कलेक्शन को लेकर तो आपको बताया झुंड, जिसका कि काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है, वो मैक्सिमम 8 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से। तो उसके सामने तुलसीदास जूनियर शायद कुछ भी नहीं है। और जो कलेक्शन की बात आती है तो रूमर्स के मुताबिक जो कलेक्शन आ रहा है फिल्म का आज का वो है मैक्सिमम 2 से 2.5 करोड़ रुपये तीसरे दिन का ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ जो कलेक्शन हुआ है फिल्म का यानी कि तुलसीदास जूनियर का 3 दिनों के अंदर अंदर वो हो चुका है मैक्सिमम 4.5 करोड़ रुपये। तो आप समझ सकते हो यार इसको क्या वर्डिक्ट देना है हिट या फ्लॉप का, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। और आपके हिसाब से इसका क्या कलेक्शन हुआ कमेंट में मेंशन कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। और हाँ बता दूँ ये मूवी अच्छी है भले ही कलेक्शन अच्छा ना हो। बाय बाय, टेक केयर।